Assalamualaikum viewers, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लाइटिंग और सिर्फ लाइटिंग दिखाऊंगी 12 रबीउल अव्वल के लिए कि हमारे कराची में कैसी सजावट हुई है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, हमारी वीडियो स्टार्ट होती है और सबसे पहले तो हम यहाँ मार्केट में आए हैं और हम इन एलईडी प्राइस के जो है लाइटिंग के प्राइस जो है वो मालूम कर रहे हैं। तो ये 135 रुपीज़ की एलईडी लाइट है और ये 2 मीटर तक की थी। तो ये देखें, ये जितनी छोटी लाइटें होती हैं उतनी जल्दी जो है वो इतनी तेज़ स्पार्कलिंग करती हैं। तो ये देखें आप, इसके 130 जो है वो फाइनल डिस्काउंट करके जो है ये हमने परचेज़ की थी। तो 135 रुपीज़ इसके जो है वो चार्जेस थे। तो ये देखें, ये छोटी वाली लाइट्स हैं। अच्छा, ये लाइट्स जो है वो डिपेंड करती हैं कि कितने मीटर्स वायर के ऊपर हैं। ठीक है, जो लंबा वाला वायर होता है मींस बड़ा वायर होता है तो उसके प्राइस अलग होते हैं, और जो छोटा वायर होता है तो उसके प्राइस जो है वो अलग होता है। तो ये देखें, बल्ब्स जो हैं ये 130 रुपीज़ के हैं। तो ये देखें आप, लाइटिंग हायर टाइप की आपको यहाँ लाइटिंग मिल जाएंगी। तो और ये देखें कितना प्यारा सा ग्लोब है, जो कुछ भी कहना चाहें आप इसको, इस टाइप की लाइटिंग्स भी हैं, इसको चिल्ली मिल्ली लाइट्स कहते हैं। तो ये देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, 220 रुपीज़ की थी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक आँखों में एक अजीब सा लग रहा था कि हमें इतनी देर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था घर पर आके, कि हमारी आँखों में हर कलर की और हर इंटेंसिटी की लाइट हमारी जो है वो आँखों में गई थी। तो ये देखें आप, आराम से इसका एक कंट्रोलर होता है साथ में लगा हुआ होता है, इससे आप लाइट की जो है वो लाइटिंग ब्राइट कर सकते हैं, उसको शार्प कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सबके प्राइसेस यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि आप जो है, और ये वाली एलईडी लाइट बाद में हम अपनी बर्थडे वगैरह और दूसरे फंक्शंस के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम साल में एक ही दफ़ा शॉपिंग करें। और आप ये देखें, ये पूरी मार्केट जो है इसमें डिफरेंट वराइटीज थी लाइटिंग्स की। तो ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ये देखें ये लंबी वाली इलांगेटेड पाइप के साथ जो है इस टाइप की भी लाइटिंग थी। हर कैटेगरी की जो है वो ये मार्केट है, इसमें हर टाइप्स की जो है वो आपको लाइटिंग्स आसानी से जो है ये मिल जाएंगी। तो ये देखें, ये कराची की बहुत ज़बरदस्त मार्केट है और इस मार्केट का नाम है खारादर मार्केट। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग। उसके बाद हम अपने बिल्कुल अपने एरिया के बिल्कुल नियरेस्ट इलाके में आ गए हैं। इस इलाके का नाम है हुसैनाबाद और यहाँ की स्ट्रीट की मैंने वीडियो बनाई। और ये देख सकते हैं आप यहाँ की वीडियो में कि आराम से जो है वो कितनी अच्छी हम लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं। और ये इस साइड पे जो है वो थोड़ा रश था। तो यहाँ की सजावट देखें, पूरी पूरी बिल्डिंग सजी हुई हैं और लोग जो है वो जोश व खरोश से जो है वो ईद मिलादुन्नबी का दिन जो है वो मनाते हैं, फुल लाइटिंग के साथ, फुल लंगर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। बच्चे बड़े सब जो है वो इसमें जो है वो बिज़ी होते हैं यहाँ की डेकोरेशन में। और कराची तो वैसे ही लाइटिंग का, रोशनियों का शहर है। तो ये तो देखें, आज वाकई में ही रोशनियों का शहर लग रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ लाइटिंग्स वगैरह देखने के लिए आज निकले थे। यहाँ बहुत रश था तो इस रश में जाना हमने इतना मुनासिब नहीं समझा। हम बस दूर दूर से ही यहाँ की लाइटिंग की वीडियो बना रहे थे। और तो ये देखें आप, एक हुजूम है यहाँ पर और सब देखें, ये नायलाइन पाक कितना माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। और इसकी लाइटिंग बिल्कुल जगमग जगमग यहाँ की गलियाँ हैं। और एक साइड पे यहाँ पर जो है वो कुछ आई थिंक बिरयानी बन रही थी या हलीम बन रही थी, आई डोंट नो अबाउट दैट। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही थी कि लोगों को पैकेट्स दे रहे थे। और
एक रश था। ये देखिए यहाँ पर ये हलीम है या बिरयानी है, तो मैं करीब नहीं गई, लेकिन इसके एक्शन से लग रहा है कि ये लोग हलीम बना रहे हैं आई थिंक। ये देखिए ऐसे हलीम में ये वाले जो है वो घोटे लगाने वाले जो है वो टूल्स यूज़ किए गए हैं। तो ये आप इजीली देखें, ये सारा विज़िट करने के बाद जो है हमें इतनी भूख लगने लगी थी, तो फिर हम रेस्टोरेंट की तरफ जो है वो सोच रहे थे कि हम वहाँ जाएं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।